नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवद गीता के 20 श्लोक जो आपको जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में, जहां हम आपको दिखाते हैं बहुत सारा चमत्कारी ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, यही हम आपको बताते हैं चमत्कारी टोटके, सरल उपाय, कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चमत्कारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए जानते हैं भगवद गीता के ये 20 श्लोक जो आपको जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। दोस्तों, हर धर्म का अपना एक अलग ग्रंथ है जिसमें जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल छुपा है, और यही ग्रंथ हमें एक बेहतर मनुष्य की तरह जीना सिखाते हैं। इन्हीं धर्म ग्रंथों में से एक है भगवद गीता, जिसमें हिंदुओं की गहरी आस्था है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था, और भगवद गीता के 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में जीवन की हर समस्या का कारण और उसका समाधान है। गीता सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर को नई दिशा देने वाला ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको गीता के 20 श्लोकों के बारे में बताएंगे जो जीवन की सच्चाइयों को खुद में संजोए हैं। अगर आप गीता के इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो शायद ही आपको कभी असफलता, निराशा और दुखों का मुंह देखना पड़े। श्लोक नंबर 1, संदेह करना छोड़ दो। तो सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। श्लोक नंबर 2, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि के व्यग्र होने से तर्क नष्ट होता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत होती है। श्लोक नंबर 3, मन की लगाम अपने हाथों में रखो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। श्लोक नंबर 4, उठो और मंजिल की तरफ बढ़ो। दोस्तों, आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो। श्लोक नंबर 5, अपने विश्वास को अटल बनाओ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। श्लोक नंबर 6, इन तीनों द्वारों से खुद को दूर रखो। नर्क के दोस्तों 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। श्लोक नंबर 7, हर एक पल कुछ सिखाता है। दोस्तों, इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही व्यर्थ होता है। श्लोक नंबर 8, अभ्यास आपको सफलता दिलाएगा। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन, लेकिन अभ्यास से उसे भी वश में किया जा सकता है। श्लोक नंबर 9, सम्मान के साथ जियो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। श्लोक नंबर 10, खुद पर विश्वास रखो। दोस्तों, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्लोक नंबर 11, कमजोर मत बनो। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। श्लोक नंबर 12, मृत्यु सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना, इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्लोक नंबर 13, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे खुद को तकलीफ हो, अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। श्लोक नंबर 14, मेरे लिए सब एक समान है। दोस्तों, भगवान सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं, ना कोई कम प्रिय है और ना कोई अधिक, लेकिन जो कोई भगवान को प्रेम पूर्वक आराधना से प्रसन्न करते हैं वो हमेशा उनके भीतर रहते हैं और वो उनके जीवन में आ जाते हैं। श्लोक नंबर 15, बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। श्लोक नंबर 16, सभी मुझसे हैं। दोस्तों, भगवान धरती की मधुर सुगंध में है, अग्नि की ऊष्मा में है,
सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी भगवान है। श्लोक नंबर 17, मैं प्रत्येक वस्तु में वास करता हूँ। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। श्लोक नंबर 18, ज्ञान व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। दोस्तों, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। श्लोक नंबर 18 में भगवान ने ये कहा है। श्लोक नंबर 19, खुद का कार्य स्वयं करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्लोक नंबर 20, डर छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। दोस्तों, उससे कभी नहीं डरना चाहिए जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन की सच्चाइयों को भगवत गीता खुद में संजोए है। अगर आप गीता के इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो शायद ही आपको कभी असफलता का मुंह देखना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताए ऐसे 20 श्लोक जो हमने गीता से अवतरित किए हैं आपके लिए, ताकि आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर लिखकर भेजें। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह के और रोचक और महत्वपूर्ण वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।